बताया कि जो मणिपुर में जिस तरह घटना हुई है उसमें अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है, तो इस तरह के बयान को भाजपा का सांसद द्वारा आप किस तरह से देखती है? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के दो सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख पीड़ा रही होगी कि वह अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पर शुरू हो गई थी। तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है, ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है, ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जिस तरह से मैडम चुनाव आयोग के वो पद के उसमें नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कमेटी गठित करके चुनाव पालिका के उससे सीजीआई को बाहर किया है, इसको लेके आप क्या समझते हैं, क्या इसमें लोकतंत्र क्या बचेगा या आने वाला 2024 का चुनाव प्रभावित कितना होगा? मेरा अनुमान है कि 2024 का चुनाव है वो हमारे संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको बचाने का ये चुनाव है। जहाँ तक 80% की राष्ट्रीय जिसने बात करी है, तो हम सभी चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, उनको हक और सम्मान मिलना चाहिए। सांसद मैडम, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार राव जी, उन्होंने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय संविधान को अब बदलने की जरूरत है। जी, क्या ब्रिटिश काल को ये लागू करना चाह रहे हैं? मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है वो लोकतंत्र को और बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये हमारे हक सम्मान और अधिकार का चुनाव होने जा रहा है। किस तरीके से ये बयान दिलाए जा रहे हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति पद पे है, क्या प्रधानमंत्री या संबंधित भाजपा एक कॉकटेल की तरह काम कर रहे हैं अधिकारियों को सामने ला रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी जैसे और पार्टी को परिवारवाद का आरोप लगाती है, क्या वो ये तय कर सकती है कि जो परिवारवाद वाली पार्टी वो उनके गठबंधन में शामिल नहीं है या अभी है नहीं? आपको मैं बहुत ही ये रिकॉर्ड मत करिएगा, तो ये जो परिवारवाद वाला, तो सभी जानते हैं भाजपा में कितना बड़ा परिवारवाद है। तो हमारे एक सांसद जी थे, सबने क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर प्रदर्शन किया हाउस के बाहर एंड सबको पकड़ाई गई तख्तियाँ, तो वो परिवारवाद वाले ही थे। तो उन्होंने देखा, अरे मेरे तो परिवारवाद वाली, इसको बदलिए, करप्शन वाली दीजिए मुझे। तो मैं समझती हूँ कि परिवारवाद है ये खाली एक आँखों में पट्टी बांधने के लिए ये सब बातें कहते हैं, क्योंकि हम सबकी आइडेंटिफिकेशन है, ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसको ख़त्म करना चाहती है भाजपा वाले, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, जनता पसंद कर रही है, लेकिन वो आइडेंटिटी को कैसे अटैक करें, तो इसकी रणनीति के तहत ये परिवारवाद पे ये उंगली उठाते हैं, बल्कि इनके खुद ही परिवारवाद है पूरी भाजपा। चंद्रयान 3 लैंड हुआ है साउथ पोल पर जाके, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सभी हमारे इसरो के साइंटिस्ट को, सभी इंजीनियर्स को, लगभग 1000 इंजीनियर्स थे और जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितना भी स्टाफ है उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इससे डेफिनेटली हम सबको गर्व महसूस हुआ है कि हमारे भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। मैडम, विपक्ष गठबंधित होके एनडीए के खिलाफ चुनाव बना लड़ने जा रहा है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, क्या लगता है आपको इंडिया नाम से आपको एडवांटेज मिलने वाला है या गठबंधन के कुछ अलग से ताकत या कुछ एजेंडा होगा? मैं समझती हूँ इंडिया नाम ताकत तो है गठबंधन की, क्योंकि इसमें सब रीजनल पार्टीज हैं और ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं अपने अपने क्षेत्र में, और जब ये सब रीजनल पार्टीज एक साथ एक मंच में आई हैं तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और इंडिया नाम का भी बहुत इम्पैक्ट है, स्पेशली युवाओं में, चाहे वो शहरी युवा हो चाहे वो ग्रामीण युवा हो, उन सब में बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। एनडीए में दो आई लगा दी हमारे एनडीए चलाने के लिए।